मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर बैठक आयोजित, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को दी मतदाता सूची के प्रति। शिवपुरी में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 6 जनवरी से 22 जनवरी तक दावे आपत्ति लेने का काम किया गया, जिसमें अभियान चलाकर मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जिसका प्रकाशन 8 फरवरी को किया गया। मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन के संबंध में जानकारी देने के लिए राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और पत्रकारों के साथ बैठक की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को सूची की एक प्रति और सीडी प्रदान की है। बैठक में जानकारी देते हुए उपजिला निर्वाचन अधिकारी जेपी गुप्ता ने बताया कि जिले की 5 विधानसभाओं में इस अभियान के तहत 16,031 नए मतदाता जोड़े गए हैं। मतदाता सूची प्रकाशन के बाद जिले में 12,97,183 मतदाता हैं, जिसमें से 6,83,940 पुरुष और 6,13,215 महिला मतदाता और 28 अन्य मतदाता हैं। बैठक में बताया कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वोटर हेल्पलाइन ऐप NVSP पोर्टल से स्वयं भी नाम बढ़ाने, विलोपित करने एवं संशोधित करने के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब निर्वाचन के फार्म प्राप्त करने के, नाम निर्देशन प्राप्त करने के अंतिम दिनांक के 10 दिन पहले तक रहता है नाम जोड़ने का। लास्ट डेट के 10 दिन पहले तक आप अपना नाम जोड़ने का फार्म से ऑनलाइन भर सकते हैं। उसके बाद फिर आप कार्रवाई नियोग भर तो सकते हो, लेकिन आपको कार्रवाई नियोग पेंडिंग ही रहेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब चलती रहती है। पौरी में 1626 फार्म साथ प्राप्त हुए, उसमें 1595 स्वीकृत हुए, 14 अस्वीकृत हुए और जो बीच का है वो अपने पाइपलाइन में है। 2773 फार्म साथ प्राप्त हुए शिवपुरी में, उसके यहां 1780 स्वीकृत हुए हैं। पिछोर में 1404 प्राप्त हुए, उसके